बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। बच्चों, हमने हिंदी सृष्टि पुस्तक का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, तो आज से हम हिंदी व्याकरण पुष्प करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम आपका पाठ करेंगे दिन और महीने। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये पाठ इस तरीके से दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। गुरुवार को बच्चों वीरवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार भी कहते हैं, ठीक है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार। फिर से करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर से करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और वर्ष में 12 महीने होते हैं। बच्चों, आपकी बुक में ये इस तरीके से दिया हुआ है। चलिए हम ये रिमाइंड करते हैं। इस पाठ में हमने क्या सीखा? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह का पहला दिन सोमवार और अंतिम दिन रविवार होता है। वर्ष में 12 महीने होते हैं। वर्ष का पहला महीना जनवरी और अंतिम महीना दिसंबर होता है। अब इसमें ये कुछ आपको कार्य दिया गया है। देखिए, वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है? कौन सा होता है? जनवरी। वर्ष का अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर। वर्ष का पांचवा महीना कौन सा होता है? मई। वर्ष का 10वां महीना कौन सा होता है? अक्टूबर। अब ऐसे ये सप्ताह के दिनों के नाम दिए हुए हैं, इन्हें आपने क्रम पूरा करना है, ये जो ब्लैंक छोड़े हुए हैं ना, ठीक है। चलो बच्चों, आपने इस पाठ में दिन और महीने सीख लिया, इन्हें आपने अच्छे से याद करना है। आज मैं आपको एक और पाठ करवाऊंगी और वह पाठ है वाक्य। चलिए शुरू करते हैं। हम ये पाठ भी करेंगे। ये पाठ है 11 वाक्य। बच्चों, कोई वाक्य अगर सही ना हो, पूरा वाक्य ना हो, तो वह वाक्य गलत कहलाता है, ठीक है। तो शब्दों के सही मेल या समूह को हम वाक्य कहते हैं। जब हम शब्दों को सही रूप से लिखते हैं, मतलब एक एक शब्द को सही तरीके से लिखते हैं, तो उसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे अब आप इस पिक्चर में देखिए, है, रहे, पढ़, बच्चे। कोई ये वाक्य है? ये तो गलत है, क्योंकि ये तो कोई वाक्य बना ही नहीं। लेकिन इसी वाक्य को अगर हम शब्दों का मेल हम सही तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से होगा, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। ऐसे ही ये है, रहे बच्चे खेल हैं, ये भी गलत है, ये कोई वाक्य बना ही नहीं। अगर इसी वाक्य को हम सही शब्दों का मेल करेंगे, तो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। ऊपर दिए गए पहले चित्र में बच्चे पढ़ रहे हैं।
वह दूसरे चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। इन बातों को बताने के लिए हम अनेक शब्दों का मेल करके अपनी बात पूरी करते हैं। शब्दों का सही मेल होने पर ही बात समझ में आती है। यही सही मेल वाक्य है। शब्दों के सही मेल समूह को वाक्य कहते हैं। हिंदी भाषा के वाक्यों में सभी शब्दों का निश्चित स्थान है। इनमें काम करने वाला पहले आता है और काम को बताने वाले शब्द बाद में आते हैं। इन वाक्यों को देखिए, अब हम इन वाक्यों को देखते हैं। लड़का खेल रहा है, लड़का काम करने वाला है ना, और काम को बताने वाले वाक्य बाद में आए, शब्द बाद में आए, तो लड़का खेल रहा है। ऐसे ही रमेश घर आ गया। कौन घर आ गया? रमेश ना, तो रमेश कहाँ आ गया? घर आ गया। गीता गाना गा रही है। गीता क्या कर रही है बच्चों? गीता गाना गा रही है। ठीक है, इस पाठ में हमने क्या सीखा? शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य में शब्दों का निश्चित स्थान होता है। वाक्य में शब्दों का निश्चित स्थान होता है। काम करने वाला वाक्य के शुरू में आता है और काम को बताने वाले शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जो काम शुरू कर रहा है वह वाक्य के शुरू में आएगा, और जो जैसे जो भी काम बताया जा रहा है, जैसे लड़का पतंग उड़ा रहा है, लड़का क्या कर रहा है? लड़का काम कर रहा है ना कुछ, तो लड़का पहले आएगा, और पतंग उड़ा रहा है, क्या काम कर रहा है वो? पतंग उड़ा रहा है, तो ये है बाद में आएगा, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब इस चित्र में कुछ अधूरे वाक्य दिए हुए हैं, वह आपने पूरे करने हैं। तो अब आपको आपका पाठ वाक्य भी समझ आया अच्छे से। एक बार फिर से करते हैं, आज हमने ये किया। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कौन कौन से मेरे पीछे बोलेंगे? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये सप्ताह के 7 दिन हैं। और अब हम करेंगे, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं? ये भी आप मेरे पीछे बोलेंगे। चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गए एक वर्ष के 12 महीने। और दूसरा हमने क्या सीखा? दूसरा हमने वाक्य सीखे। अगर हम आपको ऐसे उल्टे पुल्टे शब्द करके दें तो आपने इन्हें सही रूप में लिखना है। ठीक है, यह वाक्य गलत है और यह वाक्य सही है। इसी तरीके से जैसे वंशिका खाती है रोज सेब, क्या ये वाक्य सही है बच्चों? नहीं, ये वाक्य सही नहीं है, ये गलत है। अच्छा, दूसरा वाक्य है, राहुल रोज सैर करता है, ये वाक्य सही है? ये वाक्य बिल्कुल सही है। फिर तीसरा वाक्य है, पढ़ रही है समाचार पत्र दादी, यह वाक्य गलत है। मीता नृत्य कर रही है, यह वाक्य सही है। तो चलिए बच्चों, आज मैंने आपको वाक्य और दिन और महीने पढ़ाया है, यह आपने अच्छे ढंग से पढ़ना है, याद करना है। चलिए फिर।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज मैंने जो भी आपको व्याकरण पुस्तक में से कार्य करवाया है वह आपने अच्छे ढंग से याद करना है और हमें सारा कार्य समय पर करके भेजना है। ओके बच्चों, बाय बच्चों।